वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यानी UPSRTC की वेबसाइट हैक होने के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। वेबसाइट हैक होने के चलते टिकटिंग सिस्टम हैक हो गया था और कई लोगों के ऑनलाइन टिकट फंस गए। ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के पैसे रिफंड किए जाएंगे। साथ ही मंगलवार रात वेबसाइट हैक की गई थी। हैकर्स ने 40 करोड़ बिटकॉइन की मांग की थी। आपको बता दें, इस मामले में एक्शन लेते हुए यूपी सरकार ने संजय कुमार को परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक पद से हटा दिया है और IAS एन वेंकटेश्वर को UPSRTC के MD का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यानी UPSRTC की वेबसाइट हैक होने के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। वेबसाइट हैक होने के चलते टिकटिंग सिस्टम हैक हो गया था और कई लोगों के ऑनलाइन टिकट फंस गए। ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के पैसे रिफंड किए जाएंगे। साथ ही मंगलवार रात वेबसाइट हैक की गई थी। हैकर्स ने 40 करोड़ बिटकॉइन की मांग की थी। आपको बता दें, इस मामले में एक्शन लेते हुए यूपी सरकार ने संजय कुमार को परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक पद से हटा दिया है और IAS एन वेंकटेश्वर को UPSRTC के MD का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।